नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमंत। वेलकम टू प्रेप आईएएस। आज हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंट एनसीईआरटी बुक्स के बारे में। लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था हमने कि एनसीईआरटी इम्पॉर्टेंट क्यों है। आज हम बातें करेंगे कि कौन कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, कैसे पढ़नी चाहिए, क्या नोट्स बनाना चाहिए, किन एनसीईआरटी का नोट्स बनाना है, किन का नहीं बनाना है, ये सब बातें हम लोग देखेंगे। और हम लोग जब एनसीईआरटी को डिस्कस करेंगे तो हम लोग टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे कि पॉलिटी के लिए कौन कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है, ज्योग्राफी के लिए कौन सी, हिस्ट्री के लिए कौन सी पढ़नी है, और इन एनसीईआरटी के साथ कौन सी स्टैंडर्ड बुक अलग से लेनी है। फॉर एग्जांपल स्पेक्ट्रम पढ़ना है, लक्ष्मीकांत पढ़ना है, ये सब बातें करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले कैसे पढ़ना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग तैयारी कर रहे हैं 2022 के लिए या 2023 के लिए। जिन्हें 2024 में देना है वो भी एनसीईआरटी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा स्टैटिक है, चेंज नहीं होना, ठीक है ना। हाँ, जो 2023 में देने वाले हैं, 24 में देने वाले हैं, वो करंट अफेयर अभी ना पढ़ें, क्योंकि आपके टाइम में जो सवाल पूछा गया करंट अफेयर से, वो करंट अफेयर बाद में आएगा, अभी वाला करंट अफेयर सवाल नहीं आएगा, ठीक है ना। तो चलो, सबसे पहले करना क्या, आप यूपीएससी का जो प्रिलिम्स का क्वेश्चन बैंक है वो ले लो, क्वेश्चन बैंक ले लो, और आप शुरू करना पॉलिटी से। जो पॉलिटी का एनसीईआरटी है ना, उससे शुरू करना, और पहले इस क्वेश्चन बैंक में जो पॉलिटी के क्वेश्चंस हैं उनको पढ़ लो। समझ में ना आए, आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता, बस पढ़ लो उसको, ठीक है ना। दो तीन पेज पढ़ो, फिर आप एनसीईआरटी को ओपन करो। मैं बस एक जनरल तरीका बता रहा हूँ कि किस तरह से पढ़ना है। एनसीईआरटी जब पहली बार पढ़ रहे होंगे आप, तो उसको आप नोबेल की तरह पढ़िए, मतलब बिना कोई टेंशन लिए। समझ में आए तब भी ठीक, समझ में ना आए तब भी ठीक, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कीवर्ड समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, बस एक रीडिंग लगा लीजिए। मतलब कि आपको ओवरव्यू मिलना चाहिए कि कहाँ पर क्या है, पहला चैप्टर किस बारे में है, सेकेंड चैप्टर किस बारे में है, पूरी किताब में कौन कौन से चैप्टर हैं, किस बारे में है। ये हो गया पहला रीडिंग। आप जब आप सेकेंड रीडिंग करेंगे ना, उसमें आप सीरियसली पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 1 उठाएंगे, उसको पढ़ना शुरू करेंगे। ऐसा करना है क्या? हाँ, इसमें करना क्या, सेकेंड रीडिंग में आप अंडरलाइन करेंगे, हाईलाइट करेंगे, नोट नहीं बनाना, नोट अभी नहीं बनाना, ठीक है। फर्स्ट रीडिंग में आपको अंडरलाइन हाईलाइट नहीं करना है। अगर तुम करने के लिए बैठोगे तो तुम्हें सब कुछ इंपॉर्टेंट लगेगा और तुम पूरी किताब रंग दोगे, ये नहीं करना। सेकेंड रीडिंग में तुम अंडरलाइन हाईलाइट करना, वो भी केवल की टर्म्स, सेंटेंस हाईलाइट मत करना, केवल दो वर्ड तीन वर्ड इस तरह से हाईलाइट करना, ठीक है। तो ये हो गया कि आपको एनसीईआरटी पढ़नी कैसे है, रफ्तार क्या होनी चाहिए। आपको 12 पेजेस पढ़ने हैं एक घंटा में। अगर आप इससे कम पढ़ पा रहे हैं, थोड़ा स्पीड बढ़ाइए, और अपना जो नज़र है ना, वर्ड के ऊपर रखिए। जैसे कि मैं पढ़ रहा हूँ, हाईलाइट एंड मेक स्मॉल इंडिकेशंस, तो आप यहाँ पर देखना, यहाँ पर देखना, आपके स्पीड बढ़ जाएगी पढ़ने की, ठीक है। तो ये कैसे पढ़ना है ये बताया मैंने आपको, कौन सा किताब पढ़ना है, अब उसको हम लोग देखते हैं। ध्यान से देखो, पहले हम लोग शुरू करते हैं हिस्ट्री से। आपका पॉलिटी शुरू करना है, मैं बस टॉपिक कह रहा हूँ हिस्ट्री। हिस्ट्री में हम लोगों को मेनली ओल्ड एनसीईआरटी पढ़नी है। जो नई एनसीईआरटी है वो केवल आपको क्लास 12th का पढ़ना है। जैसे कि क्लास 12th में तीन पतली पतली किताबें हैं, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। ये जो तीन किताबें हैं ना, आप केवल यही पढ़ेंगे न्यू एनसीईआरटी से, और इसको आपको केवल दो बार ही पढ़ना है। पहली बार नोबेल की तरह, दूसरी बार पढ़ करके उसको अंडरलाइन हाईलाइट जो करना है कर लीजिए, ठीक है। आपको आगे क्यों नहीं पढ़ना, क्योंकि ये जो तीनों किताबें हैं ना, ये आपकी प्रिलिम्स की टेस्ट सीरीज रिवाइज करवा देगी, कुछ अलग से नहीं करना आपको। तो सर रिवाइज क्या करना है, रिवाइज करना है आपको एंशियंट इंडिया का ओल्ड एनसीईआरटी, आर एस शर्मा के द्वारा लिखी गई है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, ये आपका एंशियंट तो कवर करेगा ही करेगा, जो आपका आर्ट एंड कल्चर है वो भी कवर करेगा, क्योंकि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है इसके बारे में पूरा पढ़ाएगा आपको,
वैदिक एज है इसके बारे में, मौर्यन एज का जो आर्किटेक्चर है, पॉटरी है, इसके बारे में बताएगा, गुप्ता एज के बारे में बताएगा, तो पूरा का पूरा जो आपका आर्ट एंड कल्चर है ना, ये कवर कर देगा। मिडिवल इंडिया आपको पूरा नहीं पढ़ना, राजा महाराजा के समय में जो आर्किटेक्चर बनाए गए थे, जो कल्चर के टॉपिक हैं, आपको केवल वही पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल, सल्तनत एरा में कौन कौन से आर्किटेक्चर बनाए गए थे, मुगल एरा में कौन कौन सा बनाया गया था, उस समय का म्यूजिक क्या था। आप जब किताब खोलेंगे ना मिडिवल का, तो आपको हेडिंग मिल जाएगा चैप्टर में कि आर्ट एंड कल्चर का हेडिंग है, आपको बस वही पढ़ना है। कौन सा लड़ाई हुआ था, कौन सा, ये सब चीज़ें नहीं पढ़ना है। मिडिवल से सवाल बहुत ही कम आते हैं, बेनिफिट उतना ज़्यादा नहीं है समय देना, इसीलिए समय कम देंगे, जो इम्पोर्टेंट है बस वही पढ़ेंगे। मॉडर्न इंडिया के लिए आपके पास ओल्ड एनसीईआरटी बिपिन चंद्रा की पढ़िए, या तो ये पढ़ लीजिए या तो स्पेक्ट्रम का मॉडर्न इंडिया पढ़ लीजिए, दोनों मत पढ़ना, ठीक है। क्योंकि स्पेक्ट्रम वाला करता क्या है ना कि मॉडर्न इंडिया जो आपका बिपिन चंद्रा है, इससे कंटेंट लेकर के अपने में डाल देता है, कंपाइलेशन है एक तरह से, ठीक है। तो आपको ये पढ़ना है तो ये पढ़िए, वरना स्पेक्ट्रम से आपका काम हो जाएगा, अलग से नहीं पढ़ना है मॉडर्न इंडिया की ओल्ड एनसीईआरटी, क्लियर है। तो इतना आपको पढ़ना है एनसीईआरटी हिस्ट्री के लिए। हिस्ट्री मतलब क्या, एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न तीनों, इसके फालतू कुछ नहीं पढ़ना है। सर क्लास 6, 7, 8, 9, 10 पढ़ना है क्या हिस्ट्री, नहीं नहीं पढ़ना है। 11 पढ़ना है क्या, नहीं नहीं पढ़ना है। 11th में आपका इंडिया एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड आएगा, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, थीम्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री। ये जो तीनों किताबों में जो टॉपिक कवर किया गया है ना, वो हमारे एग्जाम के लिए उतना रिलेवेंट नहीं है, इसलिए हम नहीं पढ़ेंगे उसको। जो छोटी मोटी बातें हैं वो हमारा जो दूसरी किताबें हैं वो कवर कर देगा। जैसे कि वर्ल्ड हिस्ट्री कहाँ से पढ़ें सर, वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए जो विजन का पीडीएफ आता है, चाहे प्रिंट मटेरियल आता है, वो कवर कर लीजिए। विजन का जो पीडीएफ है वर्ल्ड हिस्ट्री का, वो बस पढ़ना है और मॉक टेस्ट सॉल्व करना है और कुछ नहीं। मॉक टेस्ट किसका, मेंस का, वर्ल्ड हिस्ट्री मेंस में है, GS1 में। अगला हमारा है आर्ट एंड कल्चर। आपने ओल्ड एनसीईआरटी की है, किसकी, एंशियंट इंडिया की। उसके साथ साथ आप क्लास 11th का जो फाइन आर्ट्स है ये पढ़ लो, इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट। इस किताब, ये पतली सी किताब है, इस किताब का जो चैप्टर होगा ना, इस चैप्टर में जो इमेजेस होंगे, उस इमेजेस को बड़े ध्यान से देखना, उससे सवाल आता है। जैसे कि धौली का हाथी है, फोटो से सवाल पूछ दिया UPSC ने, ठीक है। तो मौर्यन पीरियड के बारे में, इंडस वैली के बारे में, लेटर म्यूरल ट्रेडिशन के बारे में, जो म्यूरल पेंटिंग होती है उस पर सवाल, मतलब ये चैप्टर है वाला, तो उसको कवर कीजिएगा। इस किताब में ही आपको जो रंगना है रंगिएगा, अंडर एंड हाइलाइट जो भी है, नोट्स नहीं बनाना है। हिस्ट्री की किताब पर नोट्स नहीं बनाना है, किसी भी एनसीईआरटी का नोट्स नहीं बनाना है। जहाँ पर आपको मल्टीपल रिविजन चाहिए होगा मैं बताऊँगा, फॉर एग्ज़ाम्पल एंशियंट इंडिया का आपको मल्टीपल रिविजन करना पड़ेगा, स्पेक्ट्रम का आपको मल्टीपल रिविजन चाहिए होगा, ठीक है। मिडिवल वाले का केवल आर्ट एंड कल्चर वाले का रिविजन चाहिए होगा, इसका नहीं चाहिए रिविजन, ठीक है। अगला आपका है इंडियन पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, दो बार पढ़िए, अंडर हाईलाइट कीजिए, ख़त्म कीजिए इसको, नहीं चाहिए रिविजन बार बार। पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, ये किताब आपको काम देगा GS1 मेंस के लिए। क्यों सर, क्योंकि उसमें टॉपिक है इंडिया सिंस इंडिपेंडेंट, मतलब कि आज़ादी के बाद जो आपका इंडियन हिस्ट्री है उसके बारे में पूछा गया है। तो इस किताब में सारे इशू को डिस्कस किया गया है जो हमारे कंट्री में हुए हैं इंडिपेंडेंस के बाद। तो ये आपको मेनली GS1 मेंस के लिए काम देगा। इसको आपको बार बार रिवाइज करना है पढ़ पढ़ के, इसको नहीं करना है उतना, क्योंकि एक बार पढ़ लेंगे, दो बार पढ़ लेंगे इसको, तो उसके बाद आपका जो लक्ष्मीकांत है ना, वो पॉलिटी के लिए आ जाएगा अलग से, क्लियर। चलो, इकोनॉमी के लिए चार किताबें आती हैं। पहला है क्लास 10 का अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्लास 9th की वैसे है, इसको आप एक बार बड़े ख़त्म कर लीजिएगा, इसमें कुछ खास है नहीं। मगर जो क्लास 10th वाली है ना, वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये वाला, इसको भी दो बार पढ़ना है, एलिमिनेट करना है। फिर इस चैप्टर, इस किताब में जो 11th वाला इकोनॉमी है, इसमें आपको पढ़ना है लिबरलाइजेशन के बारे में, ग्लोबलाइजेशन के बारे में, प्राइवेटाइजेशन के बारे में, इसको ध्यान से पढ़िएगा इस चैप्टर को, ठीक है। इसको आपको रिवाइज करना पड़ेगा दो बार तीन बार। सबसे इम्पॉर्टेंट है इन छह किताबों में माइक्रो इकोनॉमिक, क्योंकि इनसे सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। GDP क्या होता है, GNP, NNP, ये सब के बारे में सवाल आएगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट पर सवाल आएगा,
फिजिकल डिफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू डिफिसिट क्या होता है, सारी बातें। तो ये जो किताब है ये आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, हर प्रीलिम्स के पहले आप रिवाइज करके जाएंगे। माइक्रो इकोनॉमी अगर इसमें समझ में ना आए तो यूट्यूब पर वीडियो देखिए। वैसे कुछ खास इंपॉर्टेंट ये किताब है नहीं, बहुत ही कम सवाल पूछे जाते हैं इससे। ये वाली किताब मत पढ़ना, ये किताब नहीं पढ़ना है आपको। ये पढ़ना है दो बार, एक बार नोबल की तरह, एक बार रिवीजन। ये पढ़ना है दो बार, इसको पढ़ना है दो बार, और ये जो किताब है ना ये बार बार रिवाइज करनी है आपको। अगला हमारा है ज्योग्राफी। अगर आप 2022 की तैयारी कर रहे हैं, 23 की तैयारी कर रहे हैं, आपके पास समय है, आप क्लास 6 से चलिए, 6 से पढ़ते पढ़ते पूरा ऊपर तक आइए क्लास 12 तक के, ठीक है। अगर आपने क्लास 9th अच्छे से पढ़ा है, 10th अच्छे से पढ़ा है, तो आपका जो क्लास 11th का जो ज्योग्राफी है, आपका जो इंडियन ज्योग्राफी, काफ़ी आसान पड़ेगा, बहुत कम बातें आपको एक्स्ट्रा मिलेंगी। इसीलिए मैंने कहा आपको कि आप जब 9th का पढ़ लिए होंगे ना, 10th का पढ़ लिए होंगे, तो ये 11th का जो NCERT है वो आपको रिवीजन की तरह लगेगा, ठीक है, और बातें आपको ज़्यादा से समझ में आएंगी। इन किताबों को आपको बार बार रिवाइज करना है, नोट्स नहीं बनाना है। पूरी NCERT में सबसे ज़्यादा रिवीजन आप इन्हीं किताबों का करेंगे, खास करके ये चार किताब, दो किताब 11th का, दो किताब 12th का, ये जो चार किताब है ना, इनको आप बार बार रिवाइज करेंगे, हर प्रीलिम्स के पहले रिवाइज करके जाएंगे एग्ज़ाम देने, खास करके इंडिया वाला और फिजिकल वाला, ठीक है। साइंस NCERT मत पढ़ना, साइंस का जो NCERT है UPSC स्टैटिक क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है अब, और अगर पूछ भी रहा है छोटे मोटे तो वो उन स्टैटिक क्वेश्चन से पूछ रहा है जो न्यूज़ में है, जैसे कि फ्यूल सेल, उससे सवाल आता है, न्यूट्रिनो के बारे में सवाल आता है, ब्लैक होल के बारे में सवाल आता है, सब करंट के इशू हैं, मैगजीन आपका कवर कर देगा, इसमें अपना समय नहीं लगाना। हाँ, अगर आप तैयारी कर रहे हैं BPSC का, UPPSC का, तो आपका लूसेंट वगैरह साइंस एंड टेक के लिए काफ़ी है। क्लास 6 से 12th वाली मत पढ़ना। हाँ, जो क्लास 12th का बायोलॉजी वाला किताब है, इसका आखिरी चैप्टर, लास्ट 4 चैप्टर, इसमें आपको इकोलॉजी पढ़ाया गया है, इसको जरूर कर लेना। तो सर क्या पूरा किताब खरीद लेंगे? नहीं, जो PDF है गूगल पे उसको डाउनलोड कर लो, 4 चैप्टर इसके अंतिम का बस पढ़ डालो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं ये 4, हर साल सवाल आते हैं इन 4 चैप्टर से, ध्यान से पढ़ना है इसमें। जैसे कि डाइवर्सिटी के बारे में सवाल पूछा जाएगा, इकोलॉजी के जो अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं उसके बारे में सवाल पूछा जाएगा, ये सब नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, क्लियर बात, ठीक है। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए आप कोई भी NCERT नहीं पढ़ेंगे, मैंने पहले बता दिया आपको, आप केवल जो विजन का PDF है ना वो पढ़ेंगे। आगे हमारा है सोशियोलॉजी के NCERT, ये 4 NCERT है और चारों को आप पढ़ेंगे अपने UPSC मेंस GS1 के लिए, खास करके यहाँ पर सोशल चेंजेस इन इंडिया, इसको ध्यान से पढ़ेंगे आप। जब एक बार पढ़ लेंगे, दो बार पढ़ लेंगे, उसके बाद आपका जो करंट अफेयर है वो समझ में आने लग जाएगा कि क्या बातें हमें सोसाइटी में हो रहा है, किस तरह के सवाल आ रहे हैं, ठीक है, समाज कैसे बदलता है, ये सब बातें आप यहाँ पर सीखेंगे। बेसिक है, कुछ खास है नहीं, बस पढ़ लेना कि हमने NCERT सोशियोलॉजी की कर ली है, बाकी सब आपका करंट अफेयर से सवाल आता है, सोशियोलॉजी में जो करंट इशू है ना उससे सवाल आता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला किताब, ठीक है। चलो, तो ये हो गई बातें हमारी NCERT के बारे में, कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है। जो NCERT मैंने आपको अभी बताया है उसके अलावा आपको कोई नहीं पढ़ना है, केवल एक NCERT मैं एक्स्ट्रा ऐड कर रहा हूँ पॉलिटी में, पॉलिटिकल थ्योरी। क्यों ऐड किया सर आपने इसमें? क्योंकि इसमें कई सारे टर्म्स को डिफाइन किया गया है, लिबर्टी का क्या डेफिनेशन है, फ्रीडम का क्या डेफिनेशन है, उसके बारे में, इसके लिए पढ़ना है बस। नहीं पढ़ेंगे तभी कोई बात नहीं है, इन टॉपिक को आप समझ जाएंगे, इसलिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने इसको मेंशन नहीं किया था, मगर अगर मन है तो पढ़ लेना, कोई जरूरी नहीं है ये वाला, ठीक है। तो ये हो गई बातें NCERT, आप इतना पढ़ेंगे और स्टैंडर्ड बुक की ओर आ जाएंगे। स्टैंडर्ड बुक कौन सा है सर? हिस्ट्री के लिए आप स्पेक्ट्रम मैंने बता ही दिया है आपको, पॉलिटी के लिए
लक्ष्मीकांत मैंने बता दिया है आपको। सर साइंस एंड टेक अगर हम लोग इंसर्ट नहीं करते कहाँ से करेंगे, एनसीईआरटी के बजाय आप जो करंट अफेयर मंथली मैगजीन है उससे कंप्लीट करेंगे। वर्ल्ड हिस्ट्री कहाँ से करेंगे सर, विजन का जो पीडीएफ है वहाँ से। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी कहाँ से करेंगे सर, जो शंकर का किताब है उससे। इकोनॉमी कहाँ से करेंगे सर, कई सारी किताब आता है, शंकर गणेश का आता है, रमेश सिंह का आता है, श्री राम का मटेरियल आता है, आपको जो पढ़ना है पढ़िए, विजन का भी पीडीएफ आता है उसको पढ़ सकते हैं, इतना ही करना है ठीक है। सवाल सबसे ज़्यादा सॉल्व करना है, प्रैक्टिस ही नहीं करते। प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करोगे आपका जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है वो डेवलप होगा ज़्यादा, और आपको जो क्वेश्चन नहीं आ रहा होगा ना उसका भी वर्डिंग देख करके आप उसको एलिमिनेट कर लोगे आंसर और निकाल लोगे ठीक है। तो ये हुई बातें हमारे एनसीईआरटी के बारे में, कौन सा पढ़ना है, कितनी बार रिवाइज करना है। नोट्स किसी भी एनसीईआरटी का नहीं बनाना है, जिसको जो हमारे एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है उसको मैंने रिवाइज करने के लिए बोल दिया है बार बार। कौन सा, एंशियंट इंडिया ओल्ड एनसीईआरटी, ज्योग्राफी के सारे एनसीईआरटी, ये मेन है। और एक आपका है पॉलिटिक्स इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, वो वाला, ये आपको बार बार रिवाइज करना है ठीक है। तो ये हो गई बातें हमारी आज की, हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। अच्छा लगे तो लाइक, थोड़ा डिसलाइक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।